पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है? सी, ये जो मेथड है इट वर्क्स फॉर आइसोलेशन, ये इस हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में एक सीरीज बना रहे थे। तो इसी सीरीज में आज एक अगला वीडियो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको कैसे देखते हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या इसके कुछ टाइप्स हैं, अगर वो टाइप्स हैं तो उनमें क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको इक्विलिब्रियम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके क्या टाइप्स हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको बता दूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। फिर इक्विलिब्रियम की सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस मतलब इस पे बनाएंगे। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी गाइस, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, ओके, सो वी ऑल नो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है माइक्रो में, है ना, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम ग्रास रूट लेवल से। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, टॉकिंग इन जनरल सेंस। अभी मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि मैं किस चीज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन जनरल इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करें, अब वो चीज किसी मार्केट को लेकर के हो सकती है, मार्केट में इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो सकता है, ओके, और वो मार्केट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेबर मार्केट हो सकता है, फैक्टर मार्केट हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स का मार्केट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। यही चीज हम मनी को लेकर के कर सकते हैं। तो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजों में ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। अब जिस तरह के सिनेरियो में अप्लाई कर रहे हैं उस तरह का ही डिमांड और सप्लाई होगा, डिमांड और सप्लाई कर्व भी अलग अलग होंगे, लेकिन अभी उन इंट्रिकेसीज में हमें नहीं जाना है, हमें इक्विलिब्रियम समझना है। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत बेसिक बात है, ओके? अब समझिएगा, जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कर रहे हैं, हमें इक्विलिब्रियम एनालिसिस दो टाइप्स में समझना है। तो क्या है वो दो मेथड्स ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस? एक है मार्शल का मेथड, मार्शल्स मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है, और एक है आपका वॉलरस, वॉलरस मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मार्शल मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस को हम लोग, मार्शल ने जो मेथड दिया इक्विलिब्रियम एनालिसिस का, इन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मेथड दिया है। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, और वॉलरस ने जो इक्विलिब्रियम दिया उसे हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, ये कहलाता है बच्चों जनरल इक्विलिब्रियम, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्शल के पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से, इसमें क्या कह रहे हैं मार्शल, ठीक है, आइए। एल्फ्रेड मार्शल ने एक मेथड दिया किसी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम निकालने का, और वो कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच, ओके। सो आई एम रेफरिंग इट एज मार्शल्स पार्शियल इक्विलिब्रियम, ओके। अब देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम का क्या फंडा है, ये कैसे ऑपरेट करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सी, ये जो मेथड है इट वर्क्स फॉर आइसोलेशन, ये इसका स्पेशलिटी है,
इट वर्क्स फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला, अकेला मतलब यहां पे अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज सेट्रिस पेरिबस, यानी पार्शियल। ये बहुत जनरल टर्म है इकोनॉमिक्स में यूज करने के लिए। जब भी हमें बोलना हो कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड कॉल्ड सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि हम जिस मार्केट में हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं फॉर लेट से ब्रेड मार्केट की, राइट, सिंपल ब्रेड दैट वी ईट, ओके, व्हीट ब्रेड। तो हम व्हीट ब्रेड की बात कर रहे हैं, व्हीट मार्केट को देख रहे हैं। तो देखिए व्हीट ब्रेड की जो डिमांड और सप्लाई कर्व होंगे, वो तो व्हीट ब्रेड के डिमांड और सप्लाई जो है वो इस मार्केट पे, व्हीट ब्रेड के मार्केट पे तो डिपेंडेंट है ही है, लेकिन बाकी मार्केट्स भी व्हीट ब्रेड की डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। अगर फ्लोर से ही तो बना रहे हैं आप, तो अगर फ्लोर का प्राइस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उससे व्हीट ब्रेड के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएंगे, जिससे डिमांड पे भी अंतर आएगा, सप्लाई पे भी आएगा, यस और नो। लेबर मार्केट, अगर व्हीट ब्रेड के लिए जो लेबर्स हैं उसमें इंक्रीज आ जाता है, प्राइस ऑफ लेबर या वेजेस फॉर लेबर इंक्रीज होते हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट आएगा, ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, इससे डिमांड कम हो जाएगी। तो बहुत सारे मार्केट्स हैं, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। लेकिन मार्शल ने कहा कि अगर हम इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को एक साथ एनालाइज करेंगे, हमें ब्रेड का प्राइस देखना है, हमें ब्रेड का इक्विलिब्रियम देखना है, तो हम ये मान के चले ना कि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ब्रेड, लेट अस से दैट अदर फैक्टर्स विच आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, विच आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, लेट्स से दोस थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, ओके, एंड लेट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ब्रेड इटसेल्फ, ऑन द डिमांड कर्व ऑफ ब्रेड एंड सप्लाई कर्व ऑफ ब्रेड, ओके। ये इनका अप्रोच है, ये कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही इग्नोर्ड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मार्केट। मार्शल ने इग्नोर किया मार्केट का इंटरडिपेंडेंस, जो कि है इंटरडिपेंडेंट, ओके। इन्होंने मार्केट का इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर इग्नोर कर दिया और सिर्फ ओनली ही कंसिडर्ड ओनली, इन्होंने सिर्फ एक मार्केट कंसिडर किया, जिस भी मार्केट के प्रोडक्ट की बात हो रही है बस उसी मार्केट को कंसिडर किया, कंसिडर्ड ओनली वन मार्केट है? और इसी को आप सेट्रस पेरिबस बोलते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मार्शल एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सिंगल मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं कि हाउ सिंगल मार्केट रीचेज इक्विलिब्रियम, एंड ही इज यूजिंग ओनली वन मार्केट टू फाइंड आउट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ दैट मार्केट एंड रियलाइज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दैट मार्केट। समझ गए? ठीक है, अब देखिए मार्शल के अप्रोच में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, QS इज सेलिंग थिंग, ओके, क्वांटिटी टू बी सोल्ड, दैट इज QS, ओके। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, QS रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस टू सेल, सेल करने की विलिंगनेस, और इसे मैं शॉर्ट में WTS बोलूंगा, ओके। QD इज क्वांटिटी डिमांडेड, QS वॉज quantity supplied, QD is quantity demanded, and quantity demanded means what?
डिमांड कौन करता है, जिन लोगों को परचेज करनी हो क्वांटिटी, यस और नो? सो इट इज एक्चुअली टेलिंग अस विलिंगनेस टू परचेज और विलिंगनेस टू बाय द क्वांटिटी, और इसको हम लोग WTB बोलेंगे। तो डियर, इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड इन मार्शल्स सिनेरियो, इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड व्हेन वांट और विलिंगनेस टू सेल इज इक्वल टू वांट और विलिंगनेस टू बाय। यही तो मैंने आपसे कहा था इनिशियली, देख लीजिए कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, यस और नो? और यहां पर मैंने आपसे क्या कहा मार्शल्स के अप्रोच में आकर के, भाई विलिंगनेस टू सेल, जब विलिंगनेस टू सेल होगी तभी तो क्वांटिटी सेल कर पाएंगे, ये सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू विलिंगनेस टू बाय, जब विलिंगनेस होगी तभी तो परचेस करेंगे, तभी तो उसकी डिमांड होगी, क्यूडी जो डिमांड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाए। समझ में आई बात? सो दैट्स द अप्रोच ऑफ मार्शल। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच क्या होता है, इन ओवरऑल यू कैन से इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है? सो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। थैंक यू।